हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल गुड आफ्टरनून यजनेश भूरी सिंह मोदी जी गोपाल चौधरी सभी को गुड आफ्टरनून सभी को जय हिंद तो चलिए क्लास शुरू हो चुकी है अब स्टूडेंट्स फटाफट से क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच में ऑल राइट रेडी एवरी वन तो शुरू करते हैं बच्चा हम लोग हमारे पैसेज से ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट्स पैसेज को फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आप सभी को दिखाऊंगी जय हिंद निर्मल जितेंद्र गुड आफ्टरनून महेंद्र महेंद्र जय हिंद रविन्द्रपाल भूरी सिंह राधे राधे जितेंद्र बेटा गुड आफ्टरनून चलिए तो शुरू करते हैं सभी को गुड आफ्टरनून सभी को जय हिंद अब हम पैसेज से शुरू करेंगे ध्यान से सुनिएगा पैसेज उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर आप सभी को करने हैं और आंसर करने के लिए हमें अच्छे से पैसेज सुनना जरूरी है ऑल राइट तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आंसर करिएगा ओके एक एक चीज पैसेज के दिमाग में बैठ जानी चाहिए यार टाइम पर आई हूँ मैं ऐसे तो क्यों कर रहे हो रवि टाइम पे क्लास स्टार्ट हुई है ओके चलिए तो शुरू करते हैं बेटा सोइल साइंटिस्ट्स जो सोइल के साइंटिस्ट्स हैं हैव शोन दैट द सोइल टीम्स विद अ मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स तो सोइल देखो टीम्स टीम का मतलब देखो मैंने आपको बताया था कि टीम में हमें याद रखना है हमने टीमिंग वर्ड याद करा था है ना और टीमिंग का मतलब क्या होता है प्रचुर अगर आप सभी को याद हो तो राइट right? क्योंकि टीम हमने टीम ऑफ प्लेयर्स से याद करा था कि प्लेयर्स की टीम में हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा बिल्कुल नयन बिल्कुल कल क्लास नहीं हुई थी कल दशहरा था ना बेटा कल क्लास नहीं हुई थी तो टीम में प्लेयर्स हमेशा एक्स्ट्रा रखे जाते हैं राइट right? ज्यादा प्लेयर्स रखे जाते हैं तो बेटा टीम का मतलब भी क्या होता है एक्स्ट्रा अमाउंट में तो ध्यान से सुनिएगा लाइन कि सोइल साइंटिस्ट ने ये शो करा है कि जो सोइल है मिट्टी होती है वो भारी होती है बहुत ज्यादा होते हैं उसमें क्या मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स बहुत सारी लिविंग थिंग्स ओके यस नयन फॉर श्योर वेरी गुड निर्मल बहुत बढ़िया सरप्लस बहुत अच्छे सुशील चलिए आगे देखेगा मेनी ऑफ देम यूजफुल अदर्स हार्मफुल अब जो ये बहुत सारे पदार्थ होते हैं मिट्टी में उसमें से काफी सारे यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं ठीक है सो यूजफुल मतलब उपयोगी और हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक राइट ये तो हमें पता ही है आगे देखिए द लिविंग थिंग्स विच आर यूजफुल इंक्लूड अर्थवर्म्स अर्थवर्म मतलब केचुए तो जो अच्छी चीज़ें हैं मिट्टी में जो होती हैं उनमें केचुए हैं अब हमें पता है कि केचुए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब आ, आप कह लीजिए कि किसान भी जब कोई भी आ, अनाज उगाते हैं तो अर्थवर्म बहुत अच्छे होते हैं सॉइल के लिए राइट आगे देखते हैं एंड वेरियस काइंड ऑफ बैक्टीरिया और बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं वो भी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं अच्छे होते हैं अर्थफॉर्म लूजन द सॉइल अर्थफॉर्म क्या करते हैं जब सॉयल में मूव करते हैं तो वो उसे लूज करते हैं राइट right? केचुआ बोलते हैं अर्थवर्म को एंड सो एनेबल द एयर एंड वॉटर टू एंटल इट अब जो वो सॉइल में से मूव करते हैं तो जो उन जो लूज करते हैं सॉइल को उसके हेल्प से पानी और एयर सॉइल के अंदर तक जा पाता है अच्छे से बैक्टीरिया विच आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स ब्रेक डाउन देखो बैक्टीरिया जो कि माइक्रोस्कोपिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं बैक्टीरिया को राइट right? ओपन ऐसे ही नेकेड आइस से हम नहीं देख सकते ठीक है हाँ बिल्कुल अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है बिल्कुल सही सुशील चलिए ध्यान से देखिए तो जो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है है ना ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मेक ह्यूमस तो वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं तोड़ते हैं एक तरीके से और उससे क्या बनता है बेटा ह्यूमस बनता है और टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर और नाइट्रोजन को लेते हैं वो एयर से एंड चेंज इट इन टू सब्सटैंसेस दैट प्लांट यूज और उनको उन पदार्थों में बदल देते हैं जो किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है जो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए द लिविंग थिंग्स दैट डू हार्म इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजी विच कॉज डिजीजेस अब ध्यान से देखेगा और जो लिविंग चीजें जो नुकसान पहुंचाती हैं पेड़ पौधों को सॉइल को भी नुकसान पहुंचाती हैं उनमें क्या होता है बेटा बैक्टीरिया एंड फंजी जो कि डिजीजेस कॉज करती हैं बीमारियां कॉज करती हैं राइट अदर हार्मफुल थिंग्स आर और दूसरी हार्मफुल चीजें क्या है जो कि की कीट होते हैं सच एज कौन से पेस्ट विच फीड ऑन रूट ग्रास प्लांट अब वो क्यों हार्मुल पेड़ों की जड़ों पर फीड करते हैं हा ओके अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया निडल uh, सॉरी निर्मल ये तो तुम्हें आते ही है बहुत अच्छे से चलिए तो क्यों हार्मफुल होते हैं ये क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स की रूट पर फीड करते हैं राइट रूट ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट्स ठीक है रूट्स right? पर जड़ों पर फीड करते हैं तो जड़े ही खा जाएंगे तो फिर प्लांट्स तो खराब हो गए आगे देखिए फार्मर कैन यूजली की जो फार्मर होते हैं वो वीड्स को चेक में रख सकते हैं मतलब वीड्स तो नहीं हो गए अब वीड्स के अनवॉन्टेड प्लांट ऐसे अनवॉन्टेड प्लांट ऐसे प्लांट जो कि हमें नहीं चाहिए होते और वो दूसरे सॉइल में से वो न्यूट्रिशन भी खींचते रहते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स जो मेन प्लांट ग्रो हो रहे हैं उनका न्यूट्रिशन खा रहे हैं राइट right? या उनके लिए जरूरी था वो न्यूट्रिशन वीड्स लेते रहते हैं और वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ठीक है आगे देखिए यूजुअली कीप वीड्स इन चेक बाय केयरफुल कल्टीवेशन अगर वो ध्यान से कल्टीवेशन करे तो वो लोग वीड्स को चेक में रख सकते हैं दिस अलोन मे नॉट प्रोटेक्ट हिस्स क्रॉप फ्रॉम पर ये उनके क्रॉप को इंसेक्ट्स पेस्ट और डिजीजेस से कंट्रोल नहीं कर सकता राइट right? उसके अलावा और क्या क्या ध्यान से देखिए अ डेज हाउ एवर ही इज मच बेटर एबल टू कंट्रोल दीज एनिमीज और आजकल क्या हो गया है वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के काबिल हो चुका हैल्टिवेशन पे ध्यान रखने से नहीं, कर, ध्यान देने से नहीं कर सकता जिनके खिलाफ या जिनपे वो चेक सिर्फ कल्टिवेशन ध्यान से करने पर नहीं कर पा रहा कौन से इंसेक्टेस या डिजीजेस अब इन्हें कैसे कंट्रोल करेगा वो बेहतर तरीके से ही में प्लांट स्पेशली रेजिस्टेंट टाइप ऑफ Seeds, वो ऐसी सीड्स प्लांट करेगा भैया जो इन सब से डिजीज से इंसेक्ट से pest से पेस्ट वो क्या है रेजिस्टेंट है प्रतिरोधी है राइट right? और आगे देखिए गौरव जल्दी जल्दी ओके नेक्स्ट देखिए और ही कीप पेस्ट एंड डिजीजेस इन चेक विद केमिकल्स अब वो कैसे चेक में रखेगा भैया पेस्ट और डिजीजेस को केमिकल्स डाल के नेक्स्ट देखिए विद बेटर सीड्स फार्मर हैव बीन एबल टू इंक्रीज देयर क्रॉप यू और बेहतर सीड से फार्मर अपने क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी और बढ़ा चुके हैं या बेहतर कर पाए हैं अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स से आगे पढ़ते हैं हम दे कैन ग्रो क्रॉप राइपन मोर क्विकली राइप का मतलब होता है बेटा पकना तो वो ऐसे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जो काफी ज्यादा जल्दी राइप हो जाते हैं ग्रो कर जाते हैं एंड पक जाते हैं एंड हैव अ स्ट्रॉगर रेजिस्टेंस टू डिजीज फ्रॉस्ट या ड्राउट भैया सूखे से जो बर्फ होती है हमारी दैट इज़ फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा ठंड से और डिजीजेज से बीमारियों से रेजिस्टेंस हो जो प्रति प्रतिस्पर्धी हो आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रतिरोधी हो राइट या फिर आप कह सकते हो आ, रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे वाटर रेजिस्टेंट हम बोलते हैं तो वाटर से प्रोटेक्शन एक तरीके से तो ऐसे क्रॉप्स वो ग्रो कर सकते हैं जो कि प्रतिरोधी हो किसके डिजीज के फ्रॉस्ट के और साथ ही साथ ड्राउट के सूखे के तो आई गेस सभी को हाँ उपज बिल्कुल सही यील्ड का मतलब उपज होता है प्रोडक्शन एक तरीके से आई गेस सभी को पैसेज समझ में आया होगा ठीक है अब हम मूव करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे तो आप सभी को बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करने की कोशिश करनी है तो हम पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं सभी स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन ध्यान से समझे और फर्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट हु हुटडी सॉइल बिलीव दैट साइंटिस्ट जो कि सॉइल की स्टडी करते हैं वो क्या बिलीव करते हैं अगर आप सभी को ध्यान हो तो शुरुआती लाइन में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि सॉयल साइंटिस्ट ने शो कराए कि सॉइल भरी होती है

ठीक है नेक्स्ट देखिए क्योंकि ए में बोल रहा है कि सभी के सभी भाई हार्मफुल ही है अगला देखिए ओनली माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स आर यूजफुल सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिंग लिविंग थिंग्स यूजफुल है नेक्स्ट ओनली अर्थ वर्म्स आर यूजफुल या फिर लास्ट नॉट ऑल वर्म्स एंड बैक्टीरिया आर हार्मफुल बताइए कि सभी के सभी वर्म्स और बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते चलिए जल्दी से बताइएगा सुशील सिंह डी बाकी बोल रहे हैं ए बेटा लोकल आर्मी बेटा ए क्यों होगा कि सारे के सारे इंसेक्ट्स और सारे बैक्टीरिया हार्मफुल ही होते हैं ऐसा तो नहीं बोला आपको पैसेज में एक लाइन ये भी दी हुई थी कि बैक्टीरिया बेटा क्या करते हैं ध्यान से देखिए अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए जो बैक्टीरिया हैं जो कि माइक्रोस्कोपिंग लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं बेटा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को और बनाते हैं ह्यूमस और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी लेते हैं और वो नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है तो ए तो नहीं हो सकता बच्चा बाकी सभी बच्चे आंसर बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर क्यों सही होगा कि भैया सारे ही वर्म्स या सारे ही बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हमने देखा कि अर्थ वर्म केंचुआ बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है और साथ ही साथ बैक्टीरिया अभी हमने पढ़ा कि वो ब्रेक डाउन करते हैं सब्सटेंसेस को और वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं प्लांट्स के लिए है ना बिल्कुल सही तो डी विल बी द राइट आंसर आई होप सभी को समझ में आया अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे अब हम है ना वेरी गुड यज्नेश मनोज जितेंद्र मोदी जी प्रकाश मनीष नयन एंड एवरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अब सभी द लिविंग थिंग्स डाट डू हार्म वो सभी लिविंग थिंग्स जो नुकसान पहुंचाती हैं देखिए कौन सी हैं ब्रेक डाउन प्लांट्स एंड एनिमल्स वो ब्रेक डाउन करती हैं भैया प्लांट्स एंड एनिमल को राइट नेक्स्ट यूज अप द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर यूज करती हैं एयर से नाइट्रोजन अगला कॉज डिजीजेस इन द प्लांट्स बीमारियां लेके आती हैं या फिर लूजन अप द दॉय फ्रॉम एयर एंड वॉटर अभी देखिए ध्यान से सुनिएगा पहला वाला तो बिल्कुल ही uh, हम हाँ, एकदम ऑपोजिट हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि बोला है कि लिविंग थिंग्स जो कि नुकसान पहुंचाती हैं पर अगर ब्रेकडाउन करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल तो तो भैया फायदा पहुंचेगा राइट क्योंकि ह्यूमस क्रिएट होगी अगला यूज ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर यह भी फायदा है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है वो ऐसे पदार्थ में जो कि प्लांट्स यूज कर सकते हैं अगला लूज करने से सॉइल को एयर वाटर उसमें आराम से जा सकता है तो ये भी फायदेमंद है अब बच्चा के बेटा ऑप्शन नंबर डी कि भैया वो बीमारियां लेकर आ जाती हैं प्लांट्स में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सी बहुत अच्छे हाँ तो यहां पे मोदी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सी इंडियन आर्मी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सी ओके प्रशांत वेरी नाइस सी होगा बाकी सभी बताइए सुशील लोकल आर्मी बहुत बढ़िया तो सी इज द राइट आंसर आई होप सभी को समझ में आया समझ में आया एक बार थम्सअप करके बताओ जल्दी से जल्दी से आर्मी बॉय जयंत्री चलिए बेटा लूज करेगा सॉयल को तो तो बढ़िया है ना एयर और वाटर अच्छे से जाएगा शिखर बहुत अच्छे सी ओके okay, नयन बहुत बढ़िया चलिए आगे मूव करें गुड आफ्टरनून धीरज बन्ना हुकुम आदित्य अभिषेक यज्ञेश बहुत बढ़िया सी इज द राइट आंसर चलिए थम्स अप भी आ गए अच्छा ओके प्रचांत चलिए आगे, आगे मूव करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है फार्मर्स आर ऑलवेज केयरफुल फार्मर्स बेटा केयरफुल है अब केयरफुल किस चीज को लेके है देखिए टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड फंगी दैट अटैक प्लांट्स अब वो इंसेक्ट और फंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो कि इफेक्ट या फिर जो कि अटैक करती है प्लांट्स को पहला ऑप्शन ये टू एनकरेज पेस इन द सॉइल कि भैया उनके सॉइल में कीड़े जो हैं वो बढ़े एनकरेज करें मोटिवेट करें कि हाँ भैया और बढ़ो अगला टू एलिमिनेट ऑल बैक्टीरिया फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरिया सभी के सभी विष्णु शंकर अच्छा ओके ओके ग्रेट शंकर ऑल राइट तो सारे के सारे बैक्टीरिया को हटा दो सॉइल में से और लास्ट ही टू फॉस्टर ऑल काइंड ऑफ वर्म्स इन द अर्थ राइट right? हर तरीके के वर्म्स को कहो कि भैया हमारी सॉइल में ग्रो करो ठीक है तो फॉस्टर का मतलब भी एनकरेज ही होता है एक तरीके से से तो ध्यान देखिएगा सभी वर्म्स अच्छे नहीं होते हमने देखा था एक वायर वर्म करके वर्म है जो कि अच्छा नहीं है साथ ही साथ सारे बैक्टीरिया को नहीं हटा सकते क्योंकि बैक्टीरिया डेड प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या करते हैं एक तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं ह्यूमस क्रिएट करते हैं तो यहां पे डी नहीं होगा सी नहीं होगा एन करेज नहीं करेगा पैस को ऑप्शन नंबर ए जैसा कि विष्णु शंकर प्रकाश जयंत्री नितेश नयन सुशील जितेंद्र मोदी जी सभी बोल रहे हैं यज्ञेश बहुत बढ़िया तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ओके चलिए आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है नाउ अ डेज इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द लॉस कॉज्ड बाय पेस्ट एंड हार्मफुल बैक्टीरिया आजकल भैया कैसे मुमकिन है कि हम रिड्यूस करें वो नुकसान जो कि पेस्ट और हार्मफुल बैक्टीरिया क्रॉस कॉज करते हैं राइट right? पहला ऑप्शन देखिए क्या है विद द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट सीड रेजिस्टेंट सीड की हेल्प से या फिर बाय यूजिंग वीड्स एज किलर भैया अनवांटेड प्लांट्स को उगाओ और किलर की तरह यूज करो और लास्ट साथ अनवांटेड प्लांट तो खुद ही एक तरीके से किलर है अगला बाय कंट्रोलिंग अर्थवर्म अर्थवर्म को कंट्रोल करो बताइए अच्छा फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं सुशील ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही तो पैसेज के लास्ट में अगर आप देखें ध्यान से देखेगा, अगर पैसेज के लास्ट में हम देखें कि आजकल भैया पॉसिबल है लास्ट में जाते हैं एक बार पैसेज के ध्यान से देखेगा देखिए यहां कहीं हमें दिया हुआ है कि नाव अ डेज वो बेटर कंट्रोल कर सकता है इन एनिमीज को कैसे कंट्रोल करेगा कौन से एनिमीज बेटा इंसेक्ट पेस्ट या और कैसे? Plant, seeds, ध्यान से देखेगा, वो कर सकता है तो हमारा B, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स यहां बोल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से सही होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी थ्रू थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट सीड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया वेरी गुड एवरी चलिए भूरी सिंह रविंद्र मनीष जयंत्री बहुत बढ़िया आगे मूव करते हैं देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा द फार्मर्स टूडे कैन ऑल्सो सिलेक्ट सीड्स टू भैया फार्मर आजकल सिलेक्ट कर सकता है सीड्स किस लिए देखिए टू स्लो राइपनिंग वेराइटी ठीक है भैया स्लो राइपनिंग मतलब धीरे धीरे पके जो भी वेराइटी वो ग्रो कर रहा है अगला देखिएगा रेजिस्टेंट टू फ्रॉस्ट एंड डाउट ए सीड्स या ऐसे क्रॉप जो कि रेजिस्टेंट हो प्रतिरोधी हो किस कित प्रति फ्रॉस्ट ठंड या फिर ड्राउट सूखे के प्रति अगला फॉर इकोनॉमी इन कॉस्ट भैया कम कॉस्ट कम खर्चे में सेविंग इकोनॉमी मतलब सेविंग कॉस्ट में सेविंग करने के लिए या फिर टू लोअर रेजिस्टेंट टू डिजीज जिसका जिसकी प्रतिरोधी क्षक्ता बहुत ज्यादा कम हो डिजीज के अगेंस्ट बताइए ऑप्शन नंबर विच वन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही तो यहाँ पर सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी रेजिस्टेंट टू फ्रॉस्ट एंड ड्राउड अगर आप लास्ट लाइन देखें पैसेज की तो यही है लास्ट लाइन और राइट मोदी जी रिंको बहुत बढ़िया जितेंद्र जयंत्री नितिश अभिषेक बहुत बढ़िया शिखर बहुत अच्छे चलिए बेटा आगे मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट फोर बनना भी आ गए हैं चलो बहुत अच्छे तो काफी सारे बच्चों के नाम मैं नहीं देख पाती क्योंकि कमेंट्स बहुत जल्दी ऊपर मूव कर जाते हैं राइट सो डोंट माइंड आप सभी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं यह चीज मुझे पता है वेरी गुड एवरी आगे मूव करते हैं बेटा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ओके okay, सो so, हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा पैरा जम्बल पी क्यू आर एस हमें अरेंज करना है उस पूरे सेंटेंस को फटाफट से जंबल सेंटेंस को अरेंज करिए तो क्या बोल रहा है बेटा मोहन और मोहन कौन है द सन ऑफ माई फ्रेंड तो किसी पर्सन के बारे में बात करी हमने मोहन के बारे में जो कि मेरे फ्रेंड का बेटा है आगे देखिए क्या होना चाहिए गेव मी ऑफ ऑफ्टली कोई नॉन लिविंग थिंग होगी जिसके बारे में हम बात करें होंगे जो कि बहुत प्रेसियस होगी बहुत ही कीमती होगी वाइल वर्किंग इन जापान अब जापान में देखो कौन वर्क कर रहा होगा ऑब्वियसली जिस पर्सन के बारे में बात करी गई है मोस्ट प्रोबेबली मोहन राइट right? तो मोहन जापान में काम कर रहा होगा और आगे हु डाइड इन एन एक्सीडेंट अब मरा भी कौन होगा एक्सीडेंट में जिस पर्सन के बारे में बात करी गई है मोहन राइट right? तो अब देखिए जब मोहन के बारे में बात शुरू कर दी तो इसके बारे में सारी बातें खत्म करो ठीक है तो पहला देखिए मोहन द सन ऑफ माई फ्रेंड जो कि मरा एक एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हो गई एक एक्सीडेंट में बी बोल रहे हैं सभी बच्चे यहां पे एस एस ठीक है एस से शुरू होगा तो पहले मोहन के बारे में सारी बातें खत्म करी हमने कि मोहन द सन ऑफ माय फ्रेंड मेरे फ्रेंड का बेटा जिसकी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में पहले बात करी हमने मोहन के बारे में पूरी राइट right? डिस्क्रिप्शन पूरा करा हमने मोहन का उसके बाद देखिए क्या बोला हमने इस मोहन ने करा क्या था फिर गिव मी अ सेट ऑफ पेंस राइट उसने मुझे सेट ऑफ पेंस दिया तो एस के बाद चलिए उसके बाद भी आर आएगा इसके बाद देखिए मोहन द सन ऑफ माय फ्रेंड हु डाइड इन एन एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में देखिए कब मरा हम लोग आर पॉइंट मिस कर रहे हैं एक्सीडेंट में भी वो तब मरा जब वो काम कर रहा था जापान में तो अब मोहन का डिस्क्रिप्शन पूरा हुआ है राइट अब इसने क्या करा और उसने दिया था मुझे एक सेट ऑफ पेन्स जो कि बहुत ज्यादा प्रेशियस है मेरे लिए यहाँ पे सही आंसर जैसा कि बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ही होगा ऑप्शन नंबर बी तो पहले हमने मोहन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट की कि मोहन मेरे फ्रेंड का बेटा जो कि एक्सीडेंट में मर गया कहाँ पे भैया काम करते हुए जापान में उसने मुझे एक सेट ऑफ पेन दिया था जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ही कीमती है तो पेन के बाद में पेन के बारे में भी हमने एक्स्ट्रा बात जो भी हमें दी हुई थी वो कंप्लीट करी ओके चलिए बहुत बढ़िया हां बी तुम लोगों ने पूरे चैट कॉलम में आग लगा दी है अब बहुत अच्छे ऑल राइट अगले क्वेश्चन पे मूव करना है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अजय शर्मा फौजी बनना एवरी बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बॉय सेड अब एक लड़के ने बोला क्या बोला चलिए देखते हैं आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल तो ये तो जरूर बच्चा बोल ही सकता है इससे शुरुआत हो सकती है अगला देखिए विद माई फ्रेंड्स द बॉय सेट विद माई फ्रेंड्स भैया विद माई फ्रेंड्स क्या विद माई फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स के साथ राइट right? तो यहां पर क्यों से शुरुआत नहीं हो सकती सेड वेयर माई टीचर्स कोई ये वेयर जगह बता रहा है। तो अभी तक तो कोई जगह के बारे में हमने बात ही नहीं की तो इससे भी शुरू नहीं हो सकता अगला देखिए द बॉय सेड मी वेन आई वॉन्ट टू प्ले अब मी मैं जब मुझे खेलना होता है तो उसने बोला क्या एक ऑब्जेक्ट डलेगा या जो उसने बोला वो हमें डालना पड़ेगा राइट तो शुरुआत तो बेटा पी ही बिल्कुल सही स्टार्ट दे रहा है शुरू पी से होना चाहिए अब या तो ए बी सी तो बॉय ने बोला आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल अब स्कूल जगह हमें दे दी जगह के बारे में और क्या बात करी गई है जहां पे वेयर वेयर जगह के लिए यूज हुआ है वेयर माई टीचर स्कोल तो पी के बाद हमने देखा आर आना चाहिए पी के बाद आ रहा है आर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होना चाहिए डी बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है क्योंकि जब हमने बात कर दी स्कूल के बारे में तो भैया स्कूल के बारे में और क्या बात दी हुई है कि जहां पर मेरी टीचर My teacher scolds. अब भैया scold का मतलब होता है डांटना अब scold भी किसको करेगी देखिए scolds मी मुझे डांटती है ऑब्वियसली बच्चा तभी ब, मना करेगा स्कोर्स मी व्हेन आई वांट टू प्ले जब मुझे खेलना होता है किसके साथ मेरे फ्रेंड्स के साथ इन द क्लास रूम ऑल राइट डी विल बी द राइट आंसर बिल्कुल सही ओके okay, मोदी जी जयंत्री री फौजी भन्ना मनीष ओके ग्रेट आई गेस सभी को समझ में आया राइट डी विल बी द राइट आंसर अब देखिए जब हम बात करें इस वर्ड स्कोल्ड के बारे में तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये हमारे एंटोनम सिनोनिम में भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में अब इसके आपको सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट कुछ याद रखने पड़ेंगे पहले सिनोनिम के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखेगा बेटा चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट से नॉनिम है साथ ही साथ रिब्यूक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट से नॉनिम है और एक और इंपॉर्टेंट से नॉनिम है रेपरीमांड रेप्रीमांड एनडीए में आया ही हुआ है रिब्यूक और चाइल्ड भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं राइट right? तो आपको याद रखने पड़ेंगे ये सभी वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है ठीक है स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना राइट right? डांटना इसी के साथ साथ चाइल्ड भी कैसे याद रखेंगे चाइल्ड को याद रखो कि सी एच से बेटा बनता है चाइल्ड और आइड से आप बना लो हाइड ठीक है अब हाइड का मतलब होता है छुपना अब मुझे बताओ बच्चे कब छुप जाते हैं बच्चे तभी छुपते हैं जब उन्हें पता है कि भैया हां गलती तो कर दी अब मम्मी तो डांटने वाली है तो वो क्या करते हैं डांट से बचने के लिए छुप जाते हैं ठीक है तो चाइल्ड को याद रखना पड़ेगा कि बच्चे चाइल्ड हाइड कब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डांट से बचना होता है डांटने का मतलब होता है चाइल्ड इसी के साथ साथ रिब्यूक को कैसे याद रखोगे इसे याद करो बेटा रीबॉक से रीबॉक के जूते हैं ना तो रीबॉक के जूते अगर सिलेक्शन से पहले लोगे बहुत महंगे आते हैं है ना जॉब करने से पहले रीबॉक के जूते खरीदोगे तो भैया मेरे को तो रीबॉक के रीबॉक के जूते चाहिए तो घर वाले डांटेंगे ना कि पहले नौकरी लगा लो फिर उसके बाद खूब खर्चे करना राइट जितने खर्चे करने हैं करना ठीक है तो रीबॉक के जूते से याद रखेंगे हम लोग रिब्यू को और रेपरी बहुत कॉमन वर्ड है आपको याद रखना पड़ेगा रेपरी का मतलब क्या होता है डांटना ऑल राइट एवरी सभी को समझ में आ गया ठीक है और अगर याद करना है ट्रिक देखनी है तो रेपरी रेप का मतलब रिपीट और इसके बाद रिमांड से याद कर लो डिमांड अगर रिपीटेटिवली बार बार किसी चीज की डिमांड करते रहोगे तुम तो ऑब्वियसली घर वाले तो पिटाई करेंगे क्या है तेरा रोज रोज का ओके आई गेस सभी को याद हुए सारे वर्ड तो इस सभी को याद रखने हैं चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट देखिए द क्लर्क अगला क्वेश्चन हमारा क्या है द क्लर्क तो हमें एक दिया हुआ है बेटा सब्जेक्ट On the desk, अब on the desk तो एक है, जो कि किसी का किसी से संबंध बता रहा है तो जब यहां पे कोई नाउन है, तो आगे भी देखो कि भैया क्या डेस्क पे राइट ऑन द डेस्क आपको बताना पड़ेगा लेफ्ट द मनी बिल्कुल सही देखिए वर्ब आ गई क्या और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही सीक्वेंस बन रहा है कि क्लर्क ने छोड़ दिया पैसा राइट right? क्लर्क लेफ्ट द मनी अब कहा सेव लॉकडअप करना चाहिए था अब लॉकअप कहा करेगा सेफ में करेगा राइट right? बट उसने कहा छोड़ा होगा फिर सोचो ऑन द डेस्क सो द क्लर्क लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क जो कि उसको विच ही शुड हैॉकडअप लॉक करना चाहिए था किस में लॉक करना चाहिए था डेस सॉरी सेफ में लॉक करना चाहिए था तो सही सीक्वेंस होगा हमारा फर्स्ट वन क्यू देन आफ्टर दैट पी एंड देन आफ्टर दैट एस और फिर लास्ट में आर तो आपका सीक्वेंस होना चाहिए क्यू पी एस एंड आर देखिए क्यू पी एस एंड आर बन रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर अच्छा दैट्स ग्रेट प्रशांत आई गेस सभी को समझ में आया डन एवरी वन अंडरस्टुड ऋतु कुमार बहुत बढ़िया गोविंद बहुत अच्छे राकेश शेखर बहुत बढ़िया हम्म एक बार थम्सअप करके बता दो और सभी बच्चे क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑल राइट चलिए मनीष प्रशांत एवरी वन राम पुकार बहुत अच्छे जय हिंद बेटा बहुत अच्छे फौजी सुशील बहुत बढ़िया गोविंद सिंह ओके चलिए आगे मूव करते हैं बेटा रामपुकार जयंत चलिए जी अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है ओके सो अगला हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में हमें काफी बार देखने को पहले मिला हुआ है बेटा एपेक्स एपेक्स अब एपेक्स का मतलब क्या होता है किसी भी चीज का शिखर कह लीजिए आप

पीक तो हमें पता है क्या होती है बेटा चोटी चोटी सबसे ऊपर होती है है ना थैंक थैंक यू यू प्रशांत सो मच एंड इवन आई लव द वे यू ऑल रिस्पॉन्ड तो इट्स म्यूचुअल चलिए देखते हैं टॉप टॉप मतलब सबसे सबसे ऊपर क्राउन क्राउन का मतलब क्या होता है बेटा ताज अब देखिए क्राउन भी अकेला एग्जाम में पहले आया हुआ है राइट क्राउन साहब आपका क्या मतलब है ताज का मतलब, ताज होता है क्राउन का मतलब क्राउन को हम ताज भी बोलते हैं और ताज कहाँ पे पहना जाता है बेटा सबसे ऊपर पहना जाता है राइट तो so, ध्यान रखेंगे हम लोग क्राउन का मतलब भी क्या होता है टॉप या फिर क्राउन किसे पह, पहनाया जाता है जैसे uh, मान लीजिए कोई कॉम्पिटिशन हो अब ताज किस किस पहनाया जाएगा जो टॉप पे आएगा राइट तो so, ध्यान रखेंगे हम लोग क्यों बेटा वाई डू यू मिस मी मैं तो रोज ही आती हूँ आपको पढ़ाने हम तो रोज ही मिलते हैं चलिए अगला देखिए अपोजी अब देखो अपोजी को कैसे याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पिनाकल भी करेंगे हम डोंट वरी अपोजी देखिए अपोजी को याद रखेंगे आप लोग अपोज से अपोज का मतलब क्या बेटा विरोध करना अब हमने देखा है कि काफी बार कंगना रनौत क्या करती हैं बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाई होती हैं क्यों क्योंकि वो किसी की बात को भी विरोध कर देती हैं और विरोध करके वो सुर्खियों में आ जाती हैं वैसे शी इज अ लवली एक्ट्रेस बट फिर भी हम लोग तो सिर्फ जुगाड़ कर रहे हैं लर्न करने का राइट right? बाकी uh, कोई भी बात को दिल से ना ले अगर यहां पे कंगना रनौत के कोई भी फ्रेंड्स है तो प्लीज राइट सो इट इज जस्ट अ वे टू लर्न तो ध्यान रखेंगे कंगना रनौत क्या करती है भाई किसी का भी विरोध करके सुर्खियों में आ जाती है और सुर्खियों में आने मतलब टॉप पे पहुंच जाती है न्यूज में एकदम हेडलाइन कंगना रनौत ने इनके खिलाफ ये बोला राइट सो टॉप पे आने का एक तरीका तो बहुत अच्छा होता है किसी का भी अपोज कर दो और अपोज से याद रख लेंगे अपोजी राइट अपोज से ही बनता है अपोजी तो अपोजी का मतलब क्या होता है टॉप पे आ जाओ किसी का अपोज करो और टॉप पे आ जाओ अगला वर्ड देखते हैं हम लोग समिट अब समिट क्या होती है जो भी सभा वगैरह जो भी होती है समिट राइट अब वो समिट देखो समिट किस में होती है जैसे आपने बहुत सारी इंटरनेशनल समिट्स देखी होंगी चलिए नहीं प्रशांत ऐसा कुछ भी नहीं है सो इंटरनेशनल समिट्स होती है उसमें हम देखते हैं क्या वो सारी कंट्रीज़ होती हैं जो वो सारी कंट्रीज़ मिलके आती हैं या बैठती कौन सी सारी कंट्रीज़ हैं जो टॉप पे होती हैं सो so, याद रखेंगे हम लोग समिट्स में सभाओं में सारी टॉप की कंट्रीज़ बैठती है ठीक है या अगर ऐसे याद नहीं आ रहा तो याद कर लो सबमिट तो सबमिट हम किसको कहते हैं ऐसा पर्सन जो सीक्वेंस में टॉप में हो उन्हें तो हम हमारा काम सबमिट करते हैं तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा अगला देखिए कल्मिनेशन कल्मिनेशन को कैसे याद रखोगे गर्मियां खूब चल रही थी अभी तो अब तो चलो थोड़ी थोड़ी ठंड होने लग गई पर कल्मिनेशन को तुम लोग याद करोगे कलमी कलमी को याद करो कुल्लू मनाली से ठीक है कुल्लू मनाली कल्मिनेशन को याद करो कुल्लू मनाली से कि भैया गर्मियों में जाने के टॉप जगह हाँ जी ट्वेंटी जी एट बिल्कुल सही राइट सो so, टॉप जगह कौन सी होती है गर्मियों में जाने की भैया कुल्लू मनाली याद रखेंगे कलमिनेशन को कुल्लू मनाली से पूरे नेशन में बेस्ट जगह कौन सी है भैया कुल्लू मनाली जाओ अगला देखो जेनित जेनेथ को याद रखेंगे हम लोग जन्नत से तो जन्नत भैया टॉप पे है हर कोई जाना जाता है ठीक है और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा टॉप गैलेंट में तो टॉप अपने आप आया हुआ है और साथ ही साथ एक्मे एक्मे को याद करो बेटा लैकमे से तो अगर आप सभी को ध्यान हो तो मेकअप प्रोडक्ट्स की मेकअप मेक प्रोडक्ट्स की ब्रांड है एक लैकमे और सबसे टॉप की ब्रांड है राइट तो ध्यान रखेंगे आप में मेकअप प्रोडक्ट्स में बिल्कुल सबसे टॉप की ब्रांड ओके सो आई गेस सारे वर्ड सभी को याद हुए है ना बिल्कुल भूरी से बिल्कुल रखेंगे नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें एंटोन के बारे में तो जेनित का सीधा सीधा ऑपोजिट बनता है नादर जेने का सीधा ऑपोजिट बनता है बेटा नादर अब नादर का मतलब क्या होता है लोएस्ट पॉइंट सबसे नीचे का पॉइंट ठीक है बेस कह सकते हो बॉटम कह सकते हो किसी भी चीज का अब याद रखोगे हम लोग कैसे याद रखेंगे नादिर को नागिर से अरे नागिर गिरेगा तो कहां जाएगा एकदम नीचे बेस में नीचे तो जाके गिरते हैं ठीक है हाँ काजल वाला और भी बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं लैकमे के हाँ टॉप की मॉडल हाँ सारी टॉप एक्ट्रेसेस लैकमे में मॉडल बनती हैं बिल्कुल सही नेक्स्ट देखिए बेस कह लीजिए बॉटम कह लीजिए फुट या फिर मिनिमम बाकी के वर्ड्स बहुत ज्यादा इजी हैं बट आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे आई गेस सभी को याद हुए चलिए तो आगे मूव करते हैं बेटा देखते हैं हम लोग कुछ और वर्ड्स राइट नादर बिल्कुल सही ओके okay, अगला शब्द देखिए हमारे पास क्या है बेटा असोल्ट का मीनिंग होता है अटैक करना किसी को भी ठीक है आक्रमण करना किसी पे अब याद कैसे करना है हमें देखो मान लो एक एस है एस अब एस का मतलब क्या होता है हम लोग हिंदी में हमें पता है गधा है ना आस का मतलब होता है बेटा गधा अब गधा क्या करता है देखिए मान लीजिए कि गधा कहीं से जख्मी है और हम लोग क्या करते हैं भैया जले पे नमक डालने वाली बात हो जाती है ना जब हम लोग किसी के जले पे या कहीं जख्म पे नमक डाल दें तो बहुत ज्यादा पेन होगा अब मान लीजिए कोई गधा बहुत जख्मी है और कोई बहुत शैतान सा बच्चा आके उस पे नमक डाल दे तो वो गधा क्या करेगा भैया इतना ज्यादा वो परेशान हो जाएगा कि वो अटैक करने लग जाएगा राइट right? सो so, याद रखेंगे भैया एस पे अगर डाला सॉल्ट तो बन जा बनता क्या है असॉल्ट सो एस पे डाला सॉल्ट बन जाएगा असॉल्ट और अगर गधे पे चोट पे गधे की नमक डाल दिया तो भैया फिर तो अटैक ही होगा ऐसे टेढ़े काम करोगे तो राइट right? तो so, ध्यान रखेंगे आक्रमण अटैक असॉल्ट आगे देखिए अगर वर्ड्स हम देखें तो अटैक से याद रखेंगे हम लोग ठीक है और इसी के साथ हम लोग याद करेंगे एसएल सेम ही मीनिंग होता है इसी तरीके से हम लोग याद कर लेंगे अगला वर्ड देखिए क्या है ऑन स्लॉट ऑन स्लॉट अब देखो ऑन स्लॉट को कैसे याद करना है हमको ऑनस्ला ऑनस्ला और साथ ही साथ जीएचटी बन गई ऑन स्लॉट की स्पेलिंग अब ऑनस्ला को बना लो बेटा हौसला राइट और जीएचटी को बोल लो घट तो हौसला बेसिकली क्या हो गया है घट गया है क्यों घटेगा हमारा हौसला जैसे मान लो कोई आ, सेना है अब सेना क्या लड़ाई तो कर रही है पर उनका हौसला घटता जा रहा है क्यों क्या कर रही है लिए घट रहा है हौसला क्योंकि सामने वाली जो सेना है वो अटैक पे अटैक करी जा रही है अटैक पे अटैक करी जा रही है तो एक ऐसा मोमेंट आता है अगर आप लोगों ने बाहुबली भी देखी होगी तो एक ऐसा मोमेंट आता है जब पूरी सेना का आ, क्या होता है हौसला घट जाता है राइट क्या है मृत्यु वगैरह वाला डायलॉग भी आता है उसमें बाहुबली में ओके okay? सो so, याद रखेंगे ऑन स्लॉट को याद रखेंगे हौसला घट से हौसला कब घटता है जब सामने वाली सेना आक्रमण पे आक्रमण कर रही होती है ओके नेक्स्ट देखिए हिट करना स्लैप करना बीट करना मारपीट करना आक्रमण करना अटैक करना ओके okay? बेटा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है प्रकाश आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए अब हम बात करें अगर इसके एंटोनिम की तो भैया डिफेंस डिफेंस करना प्रोटेक्ट करना किसी को किसी की सुरक्षा करना डिफेंड करना किसी को गार्ड करना गार्ड क्या करते हैं प्रोटेक्शन ही तो करते हैं हमला नहीं करते प्रोटेक्शन करते हैं साथ ही साथ सिक्योरिटी सिक्योर करना सेफ करना और लास्ट में शेल्टर एंड कवर तो हर तरीके से ढक लेना कवर कर लेना ये सब क्या है बेटा इसका मतलब ही है प्रोटेक्ट करना अटैक नहीं करना है ना क्लास का टाइम चेंज कर दूं ओके विल ट्राई तो आई गेस आप सभी को ये सारे वर्ड्स याद हुए होंगे ठीक है आज के लिए बेटा इतना ही कवर करेंगे टाइम हो गया अभी कल हम लोग बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी लेंगे क्लास में ठीक 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 है, 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 आप करते रहे, passages की जो जो का और तो हम पहले cover कर चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस निकाला करो खुद अब एक बार तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए आप लोग कोई भी रैंडम वीडियो पिक कर लीजिए फ्रॉम द प्लेलिस्ट और वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप खुद नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हमारे राइट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सो अगर हमें प्रैक्ट हमें परफेक्ट होना है है ना तो हम लोगों को प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ओके okay? बिल्कुल शिखर वील ट्राई कि क्लास का टाइम सुबह का ही हो जाए ओके दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एवरीवन सी यू ऑल टुमारो टेक केयर एंड जय हिंद